हेलो एवरीवन, मैं स्वाति खंडेलवाल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, काउंसलर, लाइफ कोच और रेकी हीलर हूँ। आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन हु कम्प्लीटली बिलीव्स इन द सुप्रीम पावर एंड लॉ ऑफ कर्म। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का उद्देश्य भी यही है, हमारे इस जीवन के और पिछले सभी जन्मों के कर्मों को समझना और उन्हें हील करना। अब आप सोचेंगे कर्मों को कैसे हील किया जाता है, तो इसका जवाब है उन्हें जानकर, समझकर और उन्हें महसूस करके। आपने कई बार सुना होगा हमारे बुजुर्गों को ये कहते, पता नहीं कौन से जन्म के कर्म हैं, कि ये अच्छा हुआ है, ये बुरा हुआ है। आपको क्या लगता है, वो ऐसे ही ये सब बोलते हैं? इस युग में कौन ऐसी बातें मानता है? इसके लिए पहले ये समझना होगा कि क्या वाकई पुनर्जन्म होता है। श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, जैसे इंसान पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और ये भी कहा है कि कर्म का फल इंसान को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ को सैकड़ों गायों में ढूंढ लेते हैं। फिजिक्स में न्यूटन का लॉ भी यही कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी थिंग इन द वर्ल्ड इज अ बूमरैंग। आप जो देंगे वही घूम के उसी गति से आपके पास आ जाएगा, या शायद और तेज भी आए। कर्म करना या ना करना और कैसे करना, ये हमारे हाथ में है, पर उसका क्या फल मिलेगा उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। बस इसी लॉ पे आधारित है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ये एक समग्र चिकित्सा है जो हमारे शरीर, मन, भावनाओं और आत्मा पर काम करती है। हम जो भी सोचते या महसूस करते हैं अपने मन में स्टोर कर लेते हैं। हमारे माइंड में सारी इंफॉर्मेशन, थॉट्स, इमेजेस, साउंड्स, टेस्ट, स्मेल्स, बॉडी पार्ट्स और इमोशंस में स्टोर होती हैं। हर इंसान का इन यादों को कैसे और कहाँ स्टोर करना है, इसका अपना तरीका होता है। जैसे कि कोई अपना दर्द अपनी कमर, पीठ, कंधे या पैर में बिठा लेता है तो उसे वहां तकलीफ होती है, कोई गले में दबा लेता है तो उसे थायराइड हो जाता है, कोई दिमाग में बिठा लेता है तो उसे माइग्रेन होता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, सभी तरह की बीमारियों को हम स्ट्रेस ले लेके अपने शरीर में जगह देते हैं। इसी तरह हमारे अंदर कई तरह के डर और फोबियाज घर कर लेते हैं। हमारे रिश्तों में टकराव रहता है, रिश्ते दूसरों से भी और खुद से भी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से हम इन सभी समस्याओं को समझ के उन्हें हील कर सकते हैं। ये सिर्फ पुरानी बातों के लिए नहीं है, बल्कि मूल रूप से उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है जिसका सामना एक व्यक्ति वर्तमान में कर रहा है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, ये हमारे जीवन को आसान, ज्यादा बेहतर और फुलफिलिंग भी बनाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक रूट कॉज थेरेपी है, क्योंकि ये एकदम डीप रूटेड इंटरनल कॉज और प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हमें मन, शरीर, आत्मा के संबंध को अधिक गहराई से समझने में मदद करती है। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है और हम ये समझते हैं कि अपने जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। इससे हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल कैसे बनाना है ये समझ जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस लिव अ मोर इंटीग्रेटेड लाइफ एंड बाय आर क्रिएटिव प्रोसेस गिव्स मीनिंग टू ईच मोमेंट ऑफ अवेयरनेस। और फाइनली जो हमारा सबसे बड़ा डर है इस जीवन को छोड़ के जाने का, उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है एंड वी लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम, पीस एंड हैप्पीनेस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से हम ना सिर्फ पुरानी शारीरिक बीमारियां ठीक कर सकते हैं, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई कई सारी ऐसी फीलिंग्स से भी मुक्त हो सकते हैं जिन्हें हम पहचान ही नहीं पाते।
जैसे कि किसी को पानी या आग या हाइट से डर होता है, या रिश्तों को खोने का डर या मौत का डर। इससे हम स्ट्रेस और गुस्से को भी सीमित कर सकते हैं। हमारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है, ये समझना, और उस लाइफ पर्पस को भी हम जान सकते हैं। ऐसे सवाल जिनका उत्तर आपको नहीं मिल रहा या कुछ अनरिजॉल्व्ड है जिसे आप कंप्लीट करना चाहते हो, वो भी हम रिग्रेशन हीलिंग द्वारा कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बात पिछले जन्म से ही जुड़ी हुई हो। हमारे इसी जन्म में बचपन की यादें या माँ के गर्भ में आए एक्सपीरियंसेस भी हमें काफी गहरी संवेदना दे सकते हैं। हम उनको भी हील कर सकते हैं। इन सभी इमोशंस को जड़ से निकालना बहुत जरूरी है। इनसे उभर कर अपनी पर्सनालिटी को निखारा जा सकता है और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया जा सकता है। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ब्लॉकेजेस को भी क्लियर किया जा सकता है। डेजावू एक्सपीरियंसेस, पहली नजर में किसी को पसंद या नापसंद करना, बच्चों को अडल्ट मेमोरीज रहना, दूसरे जेंडर से आइडेंटिफिकेशन करना, बचपन में ही अद्भुत टैलेंट्स या कोई और लैंग्वेज जानना, एकदम डिस्टिंक्टिव बर्थ मार्क या बर्थ डिफेक्ट या मल्टीपल पर्सनालिटी होना, ये सब कुछ एविडेंसेस हैं पास्ट लाइफ के। डॉक्टर ब्रूस गोल्डबर्ग ने कहा है, यदि आप कर्म या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं तो चिंता ना करें, शायद आप अपने अगले जीवन में करेंगे। डॉक्टर ब्रायन वेस रिग्रेशन थेरेपी के फादर माने गए हैं, जो रिग्रेशन या रीइंकार्नेशन रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। वो एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्होंने एक्सीडेंटली ये हीलिंग को डिस्कवर किया। उनकी एक पेशेंट कैथरीन का इलाज करते हुए और इतने बढ़िया रिजल्ट्स आए कि उन्होंने फिर इस पे काफी रिसर्च की और ये अद्भुत थेरेपी से हमें इंट्रोड्यूस कराया और इसके एक्सपीरियंसेस पे ढेर सारी अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी और भी कई जाने माने साइंटिस्ट्स ने इस पे रिसर्च की। रिग्रेशन हीलिंग या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को मैंने संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसे बेहतर जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो हमारा वर्कशॉप जरूर अटेंड कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। ये 2-day वर्कशॉप है, 2 hours का रहेगा। दोनों दिन की डिटेल्स आपको दी गई हैं। डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। हैव अ वंडरफुल एंड सेफ डे।